विकसित हो राष्ट्र हमारा, स्वच्छ हो देश हमारा, विकसित हो राष्ट्र हमारा, स्वच्छ हो देश उनकी बायोलॉजी की बुक में होगा। वही वही हम डिस्कशन कर रहे थे। चलिए ठीक है, कुछ साइंस से क्वेश्चन हो जाए। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। ये नाम आगे पहले रश्मि रश्मि चौहान आगे। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता या इतिहास के जनक? आजकल के नहीं है, बहुत पुराना नाम है ना, ईसा पूर्व का नाम है। हेरोडोटस, ये ग्रीक, जहां तक मेरा ख्याल है शायद ग्रीक ही थे ये, बहुत पहले इन्होंने जो जो हो रहा है सामने उनके उसको लिखना, उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया था। जो आज आप हिस्ट्री जिस तरीके से पढ़ते हैं, जिस तरीके से समझते हैं, उसके जनक, उसकी जो शुरुआत करी थी वो हेरोडोटस के द्वारा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया किस फॉर्मूले के द्वारा निकाला जाता है? जिसके सारी भुजाएं समान है, 60 डिग्री का कोण है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका साइड है लेट से ए, तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? नाम भी लिखने हैं कि कमी से कौन सी बीमारी, आप बताइए जो आप बीच में मुश्किल आ रही है। जी शर्मा, जिसने भारतीय संविधान के जनक, पीछे पीछे आप पंचदायित्व लघु बताया, ये किसने लिखी है? आप लोग के दोस्तों भी लगे होंगे बचपन में। ये किस राज्य में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर? ये किस राज्य में स्थित है? और भी कोई हाथ खड़ा करो। और जिन्होंने आंसर दे दिए हैं, जिनके नाम यहाँ आ चुके हैं, वो अपना हाथ ना खड़ा करें, कोई कर लें, क्योंकि वो नहीं नहीं उनका नाम नहीं आएगा ना, जिनका हाथ जो उनका नाम आ चुका है। सूर्य मंदिर किस राज्य में है? आप ही बता दीजिए। हाँ इन्होंने बता दिया, वो आप बताओ। दोनों का नाम लिख लो, दोनों का लिख लिया, दोनों का लिख लो आप। अच्छा नीले का क्या नाम है दोनों का? आप बताओ, पहले नाम तो नहीं है? आगे से बबीता भट्ट, ममता भट्ट। अभी जो पहले प्रधानमंत्री कौन था? मतलब ये 2014 से प्रधानमंत्री है ना, 2014 से पहले कौन प्रधानमंत्री था? आप बताओ। मनमोहन मतलब
नहीं, नहीं आप बताओ आप। मैं बहुत क्या नाम है भारत के कितने राज्यों से होकर किसी का नाम नहीं आया। ये छात्रवृत्ति प्रतियोगिता के लिए सिखाए और स्थित है दास बहु मंदिर। दास बहु मंदिर इस राज्य में स्थित है। वैसे इसमें उदयपुर राजस्थान नहीं रखा है ना, सही है। अच्छा महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? कोई महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? कोई बताइए कौन बोला चेता? कौन बोला? बबीता भट्ट और गार्गी कनवाल, प्रिया कनवाल, प्रिया कनवाल भी है, अंशु आर्या, मानसी शर्मा, करीना बोरा बताया ना करीना, लक्ष्मी राणा, नेहा ओझा, शीतल जोशी, लवी तिवारी और कनिका तिवारी, क्या है लवी और कनिका तो यहाँ पे बैठे, लवी कनिका, नीलम जोशी, आंचल यशोदा, मीनू, प्रिया रावत, भावना, ना इनके नाम आ गए, इनके जगह पर आ गए। अभी कुछ एक पारितोषिक के कैश प्राइज है और सर्टिफिकेट आप सभी को मिलेंगे, ठीक है। तो आप सभी अपना एक पेपर और पेन, आप ये पेन आप ले जाएंगे, आपके लिए यही है। और ऐसे जो है आपके ऊपर नाम और क्लास, अपना नाम लिख लीजिए सभी पे, टॉप टॉप फॉर्म लेटर में टेस्ट आप लोगों को चाहिए होगा, ठीक है। एक पेन और एक एक कागज होगा, है ना, ठीक है। सभी उस कागज पे अपनी कक्षा और अपना नाम साफ साफ अक्षरों में लिखें। अल्मोड़ा का आर्य कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज, बहुत ही सुंदर कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है अल्मोड़ा का।
आर्य कन्या इंटर कॉलेज में स्वच्छता पखवाड़ा हो रहा है आज। ये पानी दिया उधर से देखो बोतल में ये पेड़ लग रहा है पीछे पेड़ जैसा खड़ा है इसे भी लगा रखा लग रहा है डाल दो हमारा स्वच्छ हो राष्ट्र हमारा स्वच्छ हो।